लिखवा रही थी एबीसीडी लिखवा रही थी। हाँ। अरे हम तो देखे तुमको मैथमेटिक्स दी थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, वन डिजिट का दी थी ना। हाँ, दी थी। वाह क्या रोलर स्केटर है बहुत बढ़िया तुम लोग यूज करते हो ये दोनों बच्चे फ्रेंड्स। हाँ ये मोही वीरू दोनों कितना एंजॉय करते हैं सब रोलर स्केटर के साथ, मतलब रोलर स्केटर पहन के स्केटिंग नहीं करना है उसके साथ, जो है घर में एंजॉय करना है, मजा आता है। लगे मत बाबू, फ्रेंडशिप कर लिया। क्या हो गया? बहुत हंसी हो रही घटना। तुम्हारे क्लास में कौन सी घटना हुई थी बताओ? एक बच्चा गया था वो टॉयलेट, तेज बोलो, हगने के लिए टॉयलेट गया। हे भगवान। एक बच्चा गया था ना टॉयलेट, तो फिर ना कुछ बच्चे आए ना और उसका दरवाजा खोल दिए और वो सब देख के ही चले गए। हमारे क्लास में ही एक बच्चे के साथ हुआ था, नाम नहीं मालूम है। वीरू खेल रही थी ना बेबी बस वाला गेम, और ना वीरू चलाई थी जेसीबी, मैंने उसका मोबाइल दिया, उसका उसका ना वो ना मिट्टी हटाई थी मैंने, मिट्टी हटाने के लाओ ना बक्सा को किराने किया, मिट्टी को छोड़ दिया, चला गया गेट से बाहर। उसमें हम मस्ती भी कर सकते हैं, बस इतना बड़ा ग्राउंड रहता है और पूरा खुला रहता है, उसमें हम घूम सकते हैं खुले में। अच्छा जो माइनक्राफ्ट गेम खेलते हैं उसमें क्या होता है? आ? जो माइनक्राफ्ट गेम खेलते हैं उसमें क्या होता है? उसमें उसमें सबसे ज्यादातर ज्यादातर बसना हॉरर ही चीज होती है, वो बहुत कम लोग हॉरर चीज होता है, मगर मेरे साथ नहीं हुआ कभी। तुमको कौन सा गेम अच्छा लगता है बीरू? बेबी बस। बेबी बस में तुमको क्या अच्छा लगता है? और गेम अच्छा लगता है वो बताओ कौन सा है? कौन सा? मैं नहीं समझ आया। शुगर कैंडी। यस नहीं, शुगर कैंडी में क्या होता है? कैंडी क्रश। कैंडी क्रश उसमें क्या होता है? उसमें हाँ हमको जीतना रहता है, है उसमें ना है तीन तीन तीन, अरे वो क्या था, तीन शेप के आते हैं, एक पीला दूसरा हरा तीसरा ब्लू, है ना। ब्लू वाला कौन सा शेप का रहता है? सर्कल। हाँ सर्कल रहता है ब्लू वाला, नहीं ब्लू वाला वो रहता है त्रिकोण। एक फुट्टी होता है उसमें एक बम होता है, अगर हम उसको घिसका दे तो भाड़ सब फूट जाता है जिससे मोबाइल भी ब्लास्ट हो जाता है। उसमें ना दो तीन चार पाँच एक साथ शीशे से मत टकराना बेटा, पीछे जो शीशा है ना
बच के उससे, ठीक है। एक साथ ना दो तीन चार पांच फोड़े ना तो फिर ना मोबाइल ऐसा भोर हो जाता है। मैं एक सांप वाला गेम बताऊंगा जो हमारे टीवी में है, उसमें ना सबसे पहले तो उसको वो बहुत ज्यादा और भूखा रहता है, वो ना इतना ज्यादा सेब खाता है ना, अनलिमिटेड, कभी खत्म ही नहीं होता है सेब। उसके लिए लेवल 9 करना पड़ता है और वो सबसे हार्ड है। लेकिन वो लड़ जाता है बॉर्डर से जाके। हाँ, भूखड़ बच्चा खाते रहता है बीच में। हाँ, और आगे जाके होता रहता है। हाँ, और बाद में लड़के चिपट हो जाता है। जब डाटा ऑफ रहता है, डाटा कनेक्शन ऑफ रहता है, तब जो गेम आता है क्लाउड्स वाला, वो मजेदार है ना। हाँ, जो क्लाउड्स उड़ता रहता है उसका। हाँ, तो एक बादल छतरी पकड़ के उड़ता है। अरे छतरी पकड़ के ऊपर जाते है या फिर नीचे ग्लाइडिंग करके आता है? वो छतरी पकड़ के मस्त ऊपर जा रहा है। हाँ, हवा में उड़ रहा है। अरे छतरी को नीचे करो तभी तो ऊपर जाएगा ना। अरे तो पैराग्लाइडिंग कर रहा है बाबू, शीशा बचा के। पैराग्लाइडिंग नहीं है। छतरी ऊपर है। हाँ, और जा ऊपर रहा है। हाँ, क्या हवा उसको खींच रही है या फिर? उन सब गेम से अच्छा तो ये गेम है तुम लोग का। हाँ, जो रोलर स्केटर पे बैठ के आगे पीछे हो रहे हो सब। बीरू, शीशा से हट जा बेटा, शीशा पे नहीं बल्कि दीवाल पे जा, दीवाल पे। ये है मेरे ट्रेन सिमुलेटर का ट्रेन, ऐसा सेम उसमें भी है। फ्रेंड्स, सबसे डरावना गेम चूचू चाल से। हाँ, उसकी ना वो जो ना क्या था मूवी के स्टार्ट में क्या आता है, सबसे पहले उसका पहले वो दिखाया जाता है, क्या था कास्टिंग? कास्टिंग नहीं है? जैसा वो होने वाला रहता है। अच्छा, उसका थोड़ा सा वीडियो दिखाया जाता है, क्लिप दिखाया जाता है। हाँ, कि क्या होने वाला है ना, शॉर्ट क्लिप है वो चीज दिखाया जाता है। और ऐसा चूचू चाल का सबसे डरावना ऐसा क्लिप हुआ है जिससे वो गेम लॉन्च करा गया। एक ना एक चार्ल्स नाम का बंदा था, वो ना उसकी ट्रेन थी ना, ट्रेन का ना ट्रेन की कंपनी चूचू थी, अब वो बैन हो चुकी है। वो लॉन्च हुई थी ना 2014 में। वो कंपनी लॉन्च हुई थी जब चार्ल्स नाम का बंदा चला रहा था ना। तो फिर उसको ना स्टेशन के सामने ना एक ऐसे ना उल्टी वो ना क्या था एक एक का पैर, एक लड़की का पैर ना ऐसा उल्टा था, टेढ़ा था। अच्छा, उसको दिखा। फिर जैसे उसके पास गया था ना, तो फिर ना उसके अंदर से आत्मा निकल गई और फिर ना वो बेहोश हो गया। हगी बगी भी डरावना है। वो कैसे बना है उसके बारे में भी जानना है। वो तो तुम बनाते हो ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड रेड और ब्लू। हाँ, वो बना कागज का, मगर वो ना किस बार से लॉन्च हुआ ये तो नहीं मालूम है। अच्छा, फिर जब ना चार्ल्स नाम के बंदे की आत्मा निकल गई ना है, तो फिर ना वो ना घुस गई ट्रेन के अंदर। और जो कोयले वाली ट्रेन जो चलाया अभी जाके वहाँ जहाँ ऑफिस पे, क्यों कौन सा DRM ऑफिस पे, DRM हाँ, जो इंजन लगा हुआ था अनुराधा जिसमें तुम चढ़े थे। हाँ, वो कैसा लगा वो? हाँ, वो मैं बोलूँ तो ना, तो फिर ना वो एकदम रियल नहीं था, वो किसी जमाने का खड़ा हुआ नहीं था। पुराने जमाने का इंजन है बाबू, वो ओरिजिनल इंजन। ओरिजिनल? हाँ, वो तो साइंस पार्क कोयले से चलने वाला इंजन है। वो साइंस पार्क में रखा है। साइंस पार्क में भी है एक इंजन वो भी है। वो बहुत सारे इंजन है जो कोयले से चलते थे, वो मुझे मालूम है वो कब लॉन्च थे। और वो सारे इंजन जो है तो अब शोपीस बन के जगह जगह रख दिया गया है। मुझे मालूम है वो कब चलते थे। कब चलते थे? 2011-12 बस, जब देश गुलाम में। आज से लगभग 10 साल पहले चलता था। 2000 दस साल क्या हमें लगता है 2010-11 हाँ, उस इंजन चलते थे। आपको सामने दिख रही है ये लेजेंड। फ्रेंड्स, मेरे स्कूल जब क्रिसमस पार्टी था तो कॉलेज वाले ट्यूशन में गई थी मैं, उधर मैं पढ़ाई कर रही थी। और किससे पढ़ाई हो रही थी? और पढ़ाई करने से मैंने मैम से बोला कि पार्क
पढ़ाई करने के बाद पार्क चलेगा, तो मैम ने मेरी बात सुना लेकिन पार्क ही नहीं गए, लेकिन मैं सोच रही थी कि मुझे पार्क जाना था। बुद्धू बना दिया तो फिर पार्क क्यों नहीं ले गई मैडम? बुद्धू बना दिया तो ना तो घर जाने का टाइम था, तो घर गए, घर जा रही थी तो मैं घर जा रही थी तो मैं भूल गई कॉलेज ट्यूशन कॉलेज वाले ट्यूशन में किताब छूट गया था मेरा। है फिर कैसे मिला किताब? किताब बताओ कैसे मिला? जब मैं नीचे खड़ी थी तो मैम ने लाके मुझे दे दिया। और बाकी बच्चे चले गए थे? बस मैं ही अकेली थी। अच्छा तो क्रिसमस में तो तुम सेंटा वाला हेयर बैंड लगा के गई थी, कैसा लगा? अच्छा लगा लेकिन सामने आओ, कहाँ छुपी हो दीवार में। हाँ लेकिन कॉलेज वाले ट्यूशन में, कॉलेज वाला कौन सा ट्यूशन है? म्यूजिक वाला कॉलेज है कि कंप्यूटर वाला कॉलेज है? कॉलेज वाला ट्यूशन, कॉलेज वाला ट्यूशन रहता है सेवेंथ फ्लोर, सेवेंथ फ्लोर पे रहता है। कॉलेज के बगल में ट्यूशन है, कॉलेज एक कॉलेज ट्यूशन है और एक म्यूजिक ट्यूशन है। अच्छा वहाँ पर तबला भी है। तबला भी है, बजाई हो कभी? कैसियो? अपनी मैम से बोलो ना कि मैम हमको कैसियो सिखा दीजिए, मम्मी हमारी कैसियो खरीद देंगी, ठीक है? लेकिन कहना ना कि मैम फ्री में सिखाइए, पैसा नहीं है फीस देने के लिए, फीस आप ही को दे देंगे तो कैसियो किस पैसे से खरीदेंगे? फ्री में दे दी थी जब क्रिसमस पार्टी। हाँ यार तुम्हारे क्लास में हम देखे कैसियो रखा है, हम देखे थे उस दिन छोड़ने गए थे, जब जब रिजल्ट मिला था रिपोर्ट कार्ड तुम लोग का, उस दिन देखे थे क्लास में रखा था कैसियो। तुम अपने स्कूल में थे उस दिन? अच्छा ठीक है लेते चलेंगे, जिस दिन रिजल्ट मिलेगा ना फिर से लेते चलेंगे। नहीं, तो तुम लोग बजाते हो क्लास में? हाँ बजाती हूँ। मौका देती है मैडम? पार्टी था तो बजा रही थी मैं। है शाबाश, बहुत मजा आता है। मैं बताऊँ कैसे बजा रही थी? एक फोन का गाना बजा रही थी जो कि मैम को अच्छा लगा, तो मैम ने मुझे ट्रॉफी दिया, तो मैं स्कूल ही में खा ली। टॉफी पहले मिलता है ना, कुछ भी करो टॉफी पहले मिल जाएगा। टॉफी मैम के पास होती है। हाँ उनको अच्छा फीलिंग्स देती है। हाँ उनको सपोर्ट करने के लिए।